बिहार में पकड़ुआ विवाह से जुड़े एक केस में पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी महिला के माथे पर जबरदस्ती सिंदूर लगाना या लगवाना हिंदू कानून के तहत विवाह नहीं है। एक हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक कि वह कृत्य स्वैच्छिक ना हो और सप्तपदी पवित्र अग्नि के चारों दूल्हा और दुल्हन द्वारा उठाए गए 7 कदम की रस्म के साथ ना हो। ये फैसला न्यायमूर्ति पीबी बंजथड़ी और अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है 10 नवंबर को। एक जबरन विवाह को रद्द कर दिया है। मामले में अपीलकर्ता रविकांत, जो समय सेना में सिग्नलमैन था, कि 10 साल से अधिक समय पहले बिहार के लखीसराय जिले में अपहरण कर लिया गया था और प्रतिवादी दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया गया था। ये सब कुछ बंदूक के जोर पर कराया गया था। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब 7वां कदम दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर उठाया जाता है तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। इसके विपरीत यदि सप्तपदी पूरी नहीं हुई है तो विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस मामले में अपीलकर्ता का उसके चाचा के साथ 30 जून 2013 को अपहरण कर लिया गया था जब वो लखीसराय के एक मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। उस दिन बाद में रविकांत को प्रतिवादी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। रवि के चाचा ने जिला पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की जिसने कथित तौर पर उनकी सुनवाई नहीं की। इसके बाद रवि ने लखीसराय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है। उन्होंने शादी को रद्द करने के लिए फैमिली कोर्ट का भी रुख किया जिसने 27 जनवरी 2020 को उनकी याचिका खारिज कर दी। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट की बेंच ने कहा है कि फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण थे और आश्चर्य व्यक्त किया है कि जिस पुजारी ने प्रतिवादी की ओर से सबूत दिया था ना तो उन्हें सप्तपदी के बारे में कोई जानकारी थी और ना ही उन्हें वह स्थान याद था जहां विवाह संस्कार किया गया था। ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ऐसे कई केस आप लोगों ने सुने होंगे जहां पर लड़के को जबरन पकड़कर उनकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है और दुल्हन की मांग में सिंदूर भरवा दिए जाते हैं। ये सारे काम बंदूक के नोक पर या फिर अपहरण करके कराया जाता है। ऐसे फैसले में पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और साफ तौर पर कहा है कि अब जबरदस्ती की शादी मान्य नहीं होगी। जी हाँ, अब अगर वैसी शादी होती है जहां पर जबरदस्ती मांग में सिंदूर भरवाए जाएंगे या फिर बंदूक की नोक पर या फिर अपहरण कर शादी कराए जाएंगे तो वैसी शादी अब बिहार में मान्य नहीं होंगे। पटना हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।